जब नेता ही गुंडा हमने बिठा दी तड़ी पार जैसे नेता इस सरकार में बैठ गए, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नीचे की जो व्यवस्था है वो अच्छी चले। पीड़ित जो होती है और उसका जो परिवार होता है उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। देश में जाति के ऊपर ही न्याय और अन्याय की परिभाषा तय की जाए। अगर आप दलित बेटी हो तो आप महापापी हो। सड़क पर चलने नहीं देते हैं, संसद में बोलने नहीं देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने नहीं देते, हम कहाँ जाएं? जो चूड़ियाँ पहनते हैं ना वो तुमसे ज्यादा जो है मजबूत, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये लोग मजबूत हो। इंसान मरता है, मरता रहे, बेटी मरती है, मरती है। लोगों को गाय की तो चिंता है, लेकिन जो जननी है इस देश में, जो अगली पीढ़ी को जन्म देती है, उसकी किसी को चिंता नहीं हो सकता। ये अपने 11 महिला मंत्रियों को दिल्ली हाट को भेज सकते हैं, लेकिन उन 11 महिला मंत्रियों में से एक भी मंत्री को उस बच्चियों के घर नहीं भेज सकते। ठीक है, अपराध हो गया, पहली बार तो अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन अपराध होने के बाद क्या रवैया? ये रवैया कि आप माँ बाप को 15-15 घंटे थाने में बिठाएं। कल त्रिलोकपुरी में 6 साल की बच्ची के साथ हुआ घिनौना हरकत, वहाँ पे 5-6 घंटे तक माँ बाप को नहीं पता चला कि बेटी है कहाँ। व्यवस्था पे सवाल है पूरी, और व्यवस्था चलती है जैसा नेता होता है। जब नेता ही गुंडा हमने बिठा दी तड़ी पार जैसे नेता इस सरकार में बैठ गए, तो उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि नीचे की जो व्यवस्था है वो अच्छी चले। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी है। ये तो सरकार बताए कि शायद उनकी मानसिकता ऐसी है। मैंने जैसे कहा कि एक समय का तड़ी पार अगर आज देश का होम मिनिस्टर बनेगा तो बलात्कारियों को ही तो साहस मिलेगा, पीड़िताओं को थोड़ी ना साहस मिलेगा। पहली बार इस देश में हो रहा है कि पीड़ित जो होती है और उसका जो परिवार होता है उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, उसी से सवाल करते हैं, उसी को कहते हैं नहीं नहीं रेप नहीं हुआ। अरे भैया पुलिस को कैसे पता रेप हुआ नहीं हुआ? रेप हुआ नहीं हुआ वो तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो इन्वेस्टिगेट करो आप। लेकिन FIR लिखने से पहले पुलिस कह देती है नहीं जी ये रेप नहीं हुआ, तुम्हें कैसे पता? तुमने फॉरेंसिक टीम भेजी, तुमने क्राइम सीन को सीज किया, क्या तुमने वहाँ पे चेक किया कि किस तरीके से वारदात हुई, कोई सर्कमस्टांशियल एविडेंस ली? FIR जीरो FIR है, हमारे देश में कानून है जीरो FIR है कि आप कहीं पर भी महिला के प्रति अगर कोई पीड़न होता है तो आप कहीं पर भी जाके किसी भी थाने में केस दर्ज कर सकते हैं, या केस ही नहीं दर्ज करने देते। दिल्ली के अंदर हालात ही बदल चुके हैं, 40% पिछले 6 महीने में 40% महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है पिछले 6 महीने में दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री चुप है, दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछो तो ना वो दिल्ली कैंट जाने में 4 दिन लगा दिए, अब त्रिलोकपुरी जाने में उनको 40 दिन लग जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मेरे पास नहीं आ रहे। भैया मानवता तो तुम्हारे पास है, इंसानियत तो है। देश में जाति के ऊपर ही न्याय और अन्याय की परिभाषा तय की जाए। अगर आप बेटी हो तो पापी हो, अगर आप दलित बेटी हो तो आप महापापी हो। आप दलित के घर पैदा ही क्यों होंगे? आपको तो इंसाफ इस देश में मिलेगा ही नहीं। आप मुस्लिम के घर पैदा क्यों होंगे? आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन कभी भी बेटियों को धर्म और जाति के नाम पर क्यों बांटना? ये उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो इन सबसे इस डिवाइड से ऊपर है। इस सोशल डिवाइड को कम से कम क्राइम के अंदर मत घुसेड़िए। इन राजनीतिक पार्टियों से जो सत्ता में बैठी है उनसे हाथ जोड़ के विनती है, ये लड़ाई बहुत लंबी है। सड़क पर चलने नहीं देते हैं, संसद में बोलने नहीं देते हैं, सोशल मीडिया पे लिखने नहीं देते, हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं बेटियाँ? किधर लिखें, किधर बोले, कहाँ गुहार लगाएं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ आप उनका रहे? देखिए बेटी ना पढ़ रही है इस देश में, ना बेटी बच रही है, उल्टा बीजेपी के ही गुंडों के हाथ में बेटियों का अत्याचार बढ़ रहा है। और मैं सिर्फ इतना कह देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से कि आपकी तो बेटी है नहीं, आपको नहीं पता बेटी के खोने का दर्द क्या होता है जब बेटी किसी बलात्कारी के हाथ चढ़ जाती है और जब उसको मार दिया जाता है। 6 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, 90 साल की औरत, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किसी भी बलात्कारी को सजा तो मिलनी नहीं है। निर्भया को भी 7 साल लग गए, फास्ट ट्रैक था तब 7 साल लग गए। पॉक्सो कानून लाई कांग्रेस सरकार, जस्टिस वर्मा की कमेटी लाई, फांसी की सजा मुकरर करी, प्रावधान किया क्या कानून में हमने, लेकिन ये क्या एक भी पता है किसको कैपिटल पनिशमेंट अभी तक दी? क्यों नहीं 6 महीने के अंदर आप इसको तय करते केस को और इन लोगों को फांसी देते? फांसी होगी तो लोग डरेंगे। सब आरोपियों को पता कि कुछ होना तो है नहीं है, आज नहीं तो 6 महीने बाद बेल मिल जाएगी। देखिए हम एक पुरुष प्रधान समाज में हैं, लेकिन अब तो बराबर है, 50% जो है महिलाएं इस देश में है, महिला शक्ति। लेकिन जो सोच है ना कि सुप्रीम पावर हम ही हैं, एक कमजोर समझते हैं बेटियों को। स्मृति ईरानी ने दी थी चूड़ियां डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां देके क्या उन्होंने साबित किया कि वो कमजोर है? जो चूड़ियां पहनते हैं ना वो तुमसे ज्यादा
जो है मजबूत नहीं है। तुमने मोदी की चूड़ी नहीं पहनी इसलिए शायद तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम आरोपियों को सजा दे सको। हम महिलाएं चूड़ी पहनती है, हमसे ज्यादा स्ट्रेंथ उनके अंदर नहीं है। देखिए मैं तो अमृता धवन लगाती हूँ, पूजा धानक लगाती है। ये सोशल इशू सबसे पहली बात, ये राजनीतिक इशू नहीं है, ये सोशल इशू। दूसरी बात, महिला पे छोड़ दीजिए, उसको क्या करना है, उसको साड़ी पहननी है, उसको ड्रेस पहनना है, उसको सूट पहनना है, उसको अपना नाम लगाना है, उसको किसी और का, ये भी बहुत तय करी। इस लड़ाई को लड़ना है, आप तो बड़ी दूर की बात कर रहे हैं। पहले बेटी जिसकी इज्जत और आबरू लूट गई उसको न्याय मिल जाए, पहले जिसके पीछे किसी का आगे पीछे नाम नहीं है उसको तो न्याय मिल जाए। ये जो आप लड़ाई कह रहे हैं ये भी एक लड़ाई है, पर आज हम किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये जो लगातार बलात्कार हो रहे हैं, जो लगातार महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण हो रहा है, दलित बच्चियों के खिलाफ शोषण हो रहा है, छोटी बच्चियों के खिलाफ हो रहा है, पॉक्सो लाया इसलिए गया था ताकि फांसी की सजा मुकर्रर की जाए। हम सरकार से पूछते हैं पिछले 7 सालों में कितने आरोपियों को फांसी की सजा मिली। हम पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल से कि तुम्हें कोर्ट ने बोला कि तुम सरकारी वकील जो खाली पद पड़े हैं कोर्ट के अंदर वो भरो। सरकारी वकील अपॉइंट करना दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है। कितने सरकारी वकील अपॉइंट हुए? उल्टा सरकार कह रही है कि वकीलों की तो जरूरत नहीं है। अरे भैया, जब सरकारी वकील पर्याप्त नहीं होंगे तो केस कौन लड़ेगा? केस खत्म कैसे होंगे? नहीं बनाया अरविंद केजरीवाल ने, हमेशा आके रोते रहते हैं, टीवी पर आ जाते हैं, मुझसे ये माफ कर दो, मुझे ये माफ कर दो। अरे ऑक्सीजन क्राइसिस से दिल्ली मर गई और कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। इतना झूठ जो बोलते हैं उनके सच्चे झूठ। अमृता, एक सवाल, कास्ट एट्रोसिटी को लेकर आपका प्रोटेस्ट था राजस्थान, छत्तीस, मतलब देश के तमाम राज्यों में, लेकिन मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में सबसे ज्यादा कास्ट एट्रोसिटी। आपकी सरकार है राजस्थान में, वहाँ भी इसी तरह के हालात हैं। देखिए मैं क्या लगता है, एससी एसटी एक्ट को और पावरफुल करने की जरूरत है? एससी एसटी एक्ट को मैं इसका, ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहली बात कि सत्ता में जो बैठते हैं उनकी नीयत से तय होता है कि कोई भी संस्थान कैसे चले। जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी है वो आज पूरी तरह से एक दिखावटी कमीशन बनकर रह गया है। हमने मांग की कि राष्ट्रीय स्तर की तर्ज पर दिल्ली में भी आयोग खोला जाए, क्योंकि दिल्ली में दलितों का कोई आयोग नहीं है, तो बच्चियों को और माँ बाप को बहुत मुश्किल होती है एक एफआईआर तक दर्ज कराने की। तो इसको मजबूत करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सरकार की नीयत होनी चाहिए। सरकार की ही तो नीयत नहीं है तभी तो इस देश के शोषित और वंचित वर्ग के ऊपर बार 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 प्रहार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये लोग मजबूत हों, क्योंकि जो मजबूत होगा वो सरकार से आंख मिलाएगा, और आंख से आंख मिलाएगा तो भी सरकार जवाब देना पड़ेगा। आप किसी भी प्रदेश की बात करिए, कहीं भी महिला दलित उत्पीड़न गलत है, लेकिन मैं सरकार के रवैयों की बात कर रही हूँ। क्या कोई भी कांग्रेस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाके कहता है कि ये तुम्हारी ही गलती है किसी बेटी के घर में जिसके साथ बलात्कार हुआ है? लेकिन इनके राज्यों के मुख्यमंत्री और इनके राज्यों की पुलिस क्या कहती है कि बेटी ने ही कोई गलती की होगी, बेटी के माँ बाप की ही गलती है इसलिए बलात्कार हो गया, एफआईआर तक लिखनी दी जाती है। आप बताइए किस प्रदेश में ऐसा है जो कांग्रेस शासित है जहाँ पे एफआईआर नहीं लिखी गई या एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही? जो दिल्ली की राजनीति, जो देश की राजधानी है दिल्ली, अगर उसमें एफआईआर के लिए भी 20-20 घंटे बैठना पड़ेगा जबकि जीरो एफआईआर का प्रावधान है, तो ये और बाकी प्रदेशों में अंतर दिखेगा। सोशल डिस्क्रिमिनेशन है जाति के नाम पर, ये सभी को आग में ले जाएगा। अगर ये सरकार सुनेगी नहीं तो व्यक्ति व्यक्ति का दुश्मन बन जाएगा। ये चाहते हैं लोगों के मन में जहर घुल जाए, हिंदू मुस्लिम जाति के नाम पर लोग एक दूसरे को बांट दें और काट दें। हमें इसी से तो इस देश को बचाना है। इस देश में आजादी इसलिए नहीं ली थी कि इसमें से एक और देश कोई बना देगा आकर। इनको रोकना होगा और संविधान को बचाना होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।